तो प्यारे बच्चों, स्वागत आप सभी का एक बार फिर से। तो आज इम्पोर्टेंट चीफ जस्टिस को देख लेते हैं। पूरे हिंदुस्तान के अंदर जितने भी हाई कोर्ट है सबके इम्पोर्टेंट चीफ जस्टिस को याद कर लेते हैं बहुत जल्दी, क्योंकि ये चीफ जस्टिस बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है आपके आने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए। तो बिना किसी तरीके चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला आता है इलाहाबाद हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो इस टाइम आपको पता होना चाहिए कार्यवाहक के रूप में मनोज कुमार गुप्ता हैं। देखा इलाहाबाद हाई कोर्ट के जो है मनोज कुमार गुप्ता हैं, लेकिन अगर आप नैनीताल हाई कोर्ट की बात करोगे तो वहाँ पर मनोज कुमार तिवारी जी हैं, तो आपको एक साथ दो दो याद हो जाएंगे। तो मनोज कुमार तिवारी जो हैं ये नैनीताल हाई कोर्ट के अंदर है, और वहीं मनोज कुमार गुप्ता ये इलाहाबाद हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं। तो अगले मुख्य न्यायाधीश की तरफ को चलते हैं। आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो यह न्यायमूर्ति धीरज सिंह ठाकुर, दूसरा भी आपको याद कर लेना है। तीसरा आता है बॉम्बे उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो न्यायमूर्ति देवेंद्र कुमार उपाध्याय हैं, तो देवेंद्र कुमार उपाध्याय से आपको याद कर लेना है। वहीं आता है कलकत्ता हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, इंपॉर्टेंट रहेगा यह है TS शिवगणनम, ध्यान रखना है आपको बहुत अच्छे से। इसके बाद आता है छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो यह है रमेश सिन्हा। देखो करंट अफेयर के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है, 2023 में जितने भी बने हैं या फिर जो भी चेंजेस आए हैं सबको लिया गया है, कलेक्शन किया गया है, तो बिल्कुल भी मिस मत होने देना। जितना हो सके वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो। वहीं आता दिल्ली हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है, मनमोहन है, ये कार्यवाहक है, आपको ये याद करना है, ये इंपॉर्टेंट है दिल्ली वाला भी। गुवाहाटी हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो यह है लानू सुंग कुम जमीर, ये भी आपको याद रखना, कार्यवाहक है लानू सुंग कुम जमीर, ठीक है। तो अगला आता है गुजरात कि मुख्य न्यायाधीश कौन है, यह है सुनीता अग्रवाल, ये लेडी है सुनीता अग्रवाल, आपको ये भी अच्छे से याद कर लेना है। वहीं आता HPHC के मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो यह है MS रामचंद्र राव, तो नवा भी आपको याद हो गया होगा। अगले की तरफ को चलते हैं। अगला आता जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है जी, तो वो आता नोमेकापम कोटेश्वर सिंह, इंपॉर्टेंट है भाई करंट अफेयर के लिए, ये तो बहुत ही ज़्यादा आपको याद रखना है। नोंगमेकापम कोटेश्वर सिंह जो हैं जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं। अब आता है झारखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है, यह है चंद्रशेखर, तो झारखंड का चंद्रशेखर है, आपको ऐसे याद कर लेना। इसके बाद आता है केरल उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो न्यायमूर्ति आशीष जितेंद्र देसाई जी हैं ये। अगला आता है मद्रास हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, तो संजय वी गंगापुरवाला ये इनके मुख्य न्यायाधीश है, तो 13वां भी आपको याद हो गया। इसके बाद आता है मेघालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो यह है हमरसन सिंह थांगकिव, ये भी आपको प्रैक्टिस में ले लेना, हमरसन सिंह थांगकिव कार्यवाहक के रूप में इनको लिया गया है, थांगकिव ध्यान रखना है, हमरसन सिंह थांगकिव। इसके बाद आता है ओडिशा के मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो यह है विद्युत रंजन सारंगी कार्यवाहक के रूप में इनको लिया गया है। इसके बाद आता है राजस्थान के मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो यह है ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह, तो ध्यान रखना है ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह हैं राजस्थान के मुख्य न्यायाधीश। इसके बाद आता है तेलंगाना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो यह न्यायमूर्ति आलोक आराधे, तो न्यायमूर्ति आलोक आराधे की तरफ पार्ट टिक कर दीजिएगा। वहीं त्रिपुरा हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है, अपरेश कुमार सिंह, अच्छे से प्रैक्टिस ले लो क्योंकि ऐसी जगहों के ज़्यादातर पूछता है जो करंट में रहती हैं, तो त्रिपुरा हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जो कि अपरेश कुमार सिंह है, ये बिल्कुल आपका करंट का क्वेश्चन है, तो इसको अच्छे से प्रैक्टिस में कर लें। उत्तराखंड के मुख्य न्यायाधीश कौन है, मनोज कुमार तिवारी, मैंने आपको बता दिया था, जैसे कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के मनोज कुमार गुप्ता जी हैं वैसे ही मनोज कुमार तिवारी ये उत्तराखंड के मुख्य न्यायाधीश है। तो होप सो आपको ये सब समझ में आ गया होगा, याद कर लीजिएगा, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आपको चीफ जस्टिस मैंने याद करा दिए हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच गाइज़।